देखें, जिस वक्त आप पहले तो मैं सबका जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जो है वो टाइम निकाल के आए हैं। देखिए, मैं दो से तीन चीज़ें जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर तो आप जो है वो जो भी आपकी पोजीशन है इस वक्त, आप में जो है वो जूनियर्स भी हैं, आप में टीम लीड्स भी हैं, टीम मैनेजर्स भी हैं, दो से तीन चीज़ें। अगर तो आप अपनी पोजीशन को इधर ही रखना चाहते हैं तो फिर तो जिस तरह से चल रहे हैं चलते रहे, लेकिन अगर इससे आप जो है वो चाहते हैं कि हम जो है वो खुद को ग्रो करें और अदर्स जो है वो आगे पोजीशन पे जो है वो हम जाएं, तो दो से तीन चीज़ें जो है वो जो मैंने समझ लें मेरा लास्ट अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आप एक अच्छे, अगर फ्यूचर में आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो एक अच्छे बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो आप बन सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जो है वो एक टीम लीड या मैनेजर जो है वो काम करना चाहते हैं तो जो है वो आप एक अच्छे तरीके से जो है वो अपनी मैनेजेरियल स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ कि अपनी जिस पोजीशन पे भी चले जाएं, जिस पोजीशन पे भी हैं, अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं या आप मैनेजर लेवल पे हैं या आप जो है वो किसी कंपनी के ऑनर हैं, अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप ना करें। ठीक है, जिस तरह से जो है वो साजिद जो है वो एक जो है वो टीम मेंबर ही काम कर रहे हैं ना आप। हाँ, तो आप जो है वो एज ए टीम लीड काम कर रहे हैं। तो देखें, यानी आप जो है वो अगर इससे अबव जाना चाहते हैं तो दो से तीन चीज़ें जो है वो अगर आप जो है वो इनको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपने पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप जो है वो कभी भी जो है वो नाकाम नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। पहली सबसे कि आपने कभी भी अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी। देखिए, सम टाइम हमारा होता है ऐसा कि हम एक मैनेजर पोस्ट पे जिस वक्त चले जाते हैं तो कोई नई वीडियो, अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो आ जाती है या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो आ जाती है तो हम देखते हैं यार ये तो जूनियर है, इसको छोड़ दे रहने दें। वीडियो को जरूर देखें, अगर वो आपकी स्किल से रिलेटेड है या नहीं है। कोशिश करें कि हर चीज में जो है वो आप अपनी स्किल से रिलेटेड तो उसको तो जो है वो आप जाने ही ना दें। उस वीडियो को जरूर देखें, आर्टिकल्स को देखें, जूनियर से अगर सीखना पड़ता है उसकी बात को कंप्लीट जरूर सुने। शायद हो सकता है कि उसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा निकल आए कि जो कि आपकी जो है वो स्किल को इंप्रूव करे। तो अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना। मोस्टली हमारा क्या होता है कि जिस वक्त हम मैनेजर की पोस्ट पे चले जाते हैं तो हम जो है वो अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई उधर जाएंगे तो हो सकता है हमारी इंसल्ट हो, ठीक है, या हम जूनियर्स में जाके बैठते हैं, ठीक है, तो हो सकता है अगर कोई सेशन लेने के लिए जाना है, कोई वर्कशॉप हो रही है तो भाई मैं उधर जाऊंगा तो मोस्टली उधर लोग मुझे जानते होंगे, मैं लर्निंग लेने के लिए जाऊंगा तो लोग कहेंगे यार ये मैनेजर कैसे बना हुआ है, अभी अभी तक ये सीख रहा है। देखिए, मेरा इस फील्ड में एस्टिमेटेड 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस, अभी भी मुझे जो है वो अगर कोई मेरे स्टूडेंट की वीडियो भी इवन जो है वो कोई आ जाती है तो मैं उसको भी देखता हूं, उसको भी देखता हूं कि एक चीज है दोनों दोनों साइडों से कि शायद हो सकता है कोई नई बात जो है वो ये कर दे, सेकंड चीज कि अगर उसमें कोई गैप्स हैं तो मैं उसको गाइड कर सकूं, दोनों चीजें। तो इस तरह से अपने जूनियर्स हों या सीनियर्स हों तो जो है वो लर्निंग को कभी स्टॉप ना करें। सेकंड चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको अगर आप अपना लेते हैं, ठीक है, अपने पे जो है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अगर आप जो है वो बिजनेसमैन है तो देन भी सक्सेसफुल हैं और अगर जो है वो आप जो है वो टीम लीड हैं तो देन भी आप सक्सेसफुल हैं या अपना बिजनेस आप रन करना चाह रहे हैं तो देन भी आप इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रन कर लेंगे। उसमें यह है कि कभी भी सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, आपकी जो है वो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आपका कोई जूनियर अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी राय के अगेंस्ट चला जाता है, कहता है कि सर मैं आपकी जो है वो राय से इत्तफाक नहीं करता, एग्री नहीं हूं, तो कभी भी ऐसा ना करें। मोस्टली हमारे ऐसा होता है कि जूनियर जिस वक्त भी जो है वो कोई खड़ा होके, ठीक है, क्योंकि मेरा, मैं अगर अपनी बात करूं तो देखें मेरा जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ भी जो है वो कम्युनिकेशन है, मेरी मीडिया के लोगों के साथ भी है, जो रिलीजियस हमारे स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी जो है वो कम्युनिकेशन है। तो मोस्टली मेजॉरिटी हमारी जो इंडस्ट्री है
जो पाकिस्तान की जो है वो जनरेशन है या जो वेल नाउन जो है वो पर्सनैलिटीज हैं, उनमें 60% ऐसे लोग हैं कि वो कोई उनका अगर राय होती है तो अगर उनके अगेंस्ट कोई बात कर देता है, इख्तलाफ कर देता है, तो उस पर जो है वो हाइपर हो जाते हैं। तो आप अगर टीम लीड हैं, टीम लीड की पोजीशन के ऊपर हैं या मैनेजर की पोजीशन के ऊपर हैं, तो देखें अगर आपकी राय से कोई इख्तलाफ करता है तो आप या तो उसको कन्विंस कर लें या उसकी उसकी लॉजिक से जो है वो खुद को कन्विंस कर लें। ठीक है, दोनों चीजें हैं। टीम लीड अगर हैं तो टीम को साथ लेके चलें, टीम वर्क के ऊपर बिलीव करें। अगर वन मैन शो के ऊपर बिलीव करेंगे तो कभी भी आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारी बहुत सारी कंपनीज मैंने ऐसी देखी हैं कि जो कि वन मैन शो के ऊपर बिलीव करती हैं, एक ही पर्सन होता है जो डिसीजन लेता है, एक ही पर्सन होता है जो है वो लॉ बनाता है और लॉ को जो है वो खत्म करता है। तो ऐसी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो वन मैन शो पे होती हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, कभी भी आगे नहीं चलती। तो आप में अगर लीडरशिप क्वालिटी आप बिल्ड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर जो है वो टीम को ले आपने साथ लेके चलने की स्किल्स पैदा करें। ठीक है, तो जिस वक्त तक जो है वो आप अपनी टीम को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप जो है वो टीम लीड कभी नहीं बन सकते। ठीक है, तो टीम लीड बनने के लिए जो है वो आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना होगा। तो मैं मेरी आपसे ये दो ही चीजें, इन दोनों चीजों को जो है वो आप अगर वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, तो आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। वन मैन शो बिल्कुल भी ना रखें। मैंने वो कंपनीज देखी हैं कि यकीन करें कि जिनके पास 6 से 7 इंप्लॉयज थे, वो 100 इंप्लॉयज पे गई हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो समझ लें कि बिल्कुल क्लोज हो गई हैं, मेरी नजरों के सामने जो है बिल्कुल क्लोज हो गई हैं। उसमें रीजन जो सबसे बड़ी रीजन थी वो यही थी कि वन मैन शो था। देखिए, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको, जो अगर जूनियर भी है वो 10% अगर वर्क कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें, उसके वर्क को अक्नॉलेज करें। ठीक है, अगर वो 20% जो है वो काम कर रहा है तो 20% उसके जो है वो वर्क को अक्नॉलेज करें, उसको मोटिवेट करें। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जिस वक्त आप टीम को मोटिवेट करेंगे तो टीम वर्क होगा, तो आपकी जो है वो डेफिनेटली आपका डिपार्टमेंट, अगर आप किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो डेफिनेटली आपका डिपार्टमेंट जो है वो ग्रो करेगा। तो या अगर आप किसी कंपनी के जो है वो ऑनर हैं तो आपकी जो है वो कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। तो इस चीज को जो है वो आप लेके चलें।